अटलांटिक महासागर में लापता टाइटन पनडुब्बी का मलबा गुरुवार 22 जून को टाइटैनिक जहाज के पास मिला। इसके अलावा इसमें सवार सभी 5 अरबपतियों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। इस बात की जानकारी टाइटन पनडुब्बी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई है। दरअसल रविवार को टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली एक टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर्स सवार थे। 18 जून को दोपहर को सबमरीन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक यह पनडुब्बी भारतीय समयानुसार रविवार शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन रहती है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया था कि संभावना है कि लापता हुई टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हुआ हो, जिसमें पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई हो। विस्फोट के बाद पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर की सतह से 2 मील नीचे टाइटैनिक के पास जा गिरा हो। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के आर एडमिरल जॉन माउगर ने पनडुब्बी में सवार लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए कहा कि मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। An ROV, a remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के जल विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से मिलकर 18 जून को टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें 4 दिनों के बाद अमेरिकी तटरक्षक ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक की गहराई में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद ख़त्म हो गई है। इसमें सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बच सकी है।